हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुल्ड जेकब संश्लेषण। इसके द्वारा भी हम क्विनोलिन का संश्लेषण करते हैं। इसमें होता क्या है, जब एनिलिन को हम प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्विनोलिन के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं या क्विनोलिन हमें प्राप्त होता है। रिएक्शन में होता क्या है, इसके मैकेनिज्म और रिएक्शन हम साथ साथ में देखते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है एनिलिन। दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट वो है सी ओ ई टी द्विबंध CHO CH2 CH3, एथोक्सी मेथिलिन मेलोनिक एस्टर। ये हमारा हो गया यहाँ पे CL क्लोरो एनिलिन 1 2 3, 3 क्लोरो एनिलिन। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये जुड़ता है इसे CH के साथ, यासिन में प्राप्त हुई यह संरचना, यानी यहाँ से ये समूह बाहर निकलेगा इसके साथ और यहाँ से निकला बाहर प्रोटोन। इस प्रकार से दिखा सकते हैं हम, यहाँ से प्रोटोन निकला बाहर, ये यहाँ पे सिग्मा बंध बनाता है और माइनस ETOH एथेनॉल यहाँ से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो हमें प्राप्त हुआ ये स्ट्रक्चर, ये N, ये H, ये C, यहाँ पे ये CH, ये द्विबंध, ये COET, यानी जो एथिल हमारा समूह वो है एथिल, ये सी डबल बॉन्ड O और ये OET। यहाँ पर ये लोन पेयर आगे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एरोमेटिक रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन वो बनाते हैं इसके साथ सिग्मा बंध। तो यहाँ पे ये हो गया इस पर नेगेटिव चार्ज। ये H, ये C, ये O नेगेटिव, ये OET, COET, द्विबंध CH और ये NH, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये वापस कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनता है, यानी कार्बोनिल समूह बनता है। यहाँ से एथोक्साइड बाहर निकला और यहाँ से निकला बाहर प्रोटोन, ये इलेक्ट्रॉन आ गए वापस नाइट्रोजन के पास। जो नेक्स्ट संरचना वो इस प्रकार से है, यहाँ पे वापस एरोमेटिक रिंग बन चुकी है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये सी सी ओ ई टी, ये द्विबंध, ये CH, ये NH। इसका करवाया हमने जल अपघटन। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ये वापस एथेनॉल बाहर निकला और ये हो गया यहाँ पे COH समूह हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ COH, सॉरी सी सी ओ एच, द्विबंध CH और ये NH। दोबारा इसे हमने गर्म किया तो यहाँ से क्या बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला CO2 माइनस CO2। ये H, CH और ये NH। यहाँ पे क्लोरीन था जो हम भूल के दिखाया नहीं हमने, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो है, ये क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो और यहाँ पे क्लोरो। ये क्विनोलिन का कीटो फॉर्म है। यदि यहाँ से प्रोटॉन निकले तो यहाँ पे बन गए पाई बंद, ये पाई इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे और ये आ गए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटॉन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। हमें प्राप्त हुआ OH, CH, द्विबंध CH, सॉरी द्विबंध, ये N, ये द्विबंध और ये CL। ये हमारा है हाइड्रोक्सी क्विनोलिन।
इसका यदि हम IUPAC नाम लिखें तो विषम परमाणु का हमेशा एक नंबर देंगे हम, एक नाइट्रोजन को एक दिया, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। सात नंबर पे है क्लोरो, चार पे है हाइड्रोक्सी, तो पहले हो गया सेवन क्लोरो, फिर डेस फोर हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, इसका IUPAC नाम हो गया सेवन क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो ये गुड जेकब सिंथेसिस है जिसके द्वारा हम, यानी जिसमें करते क्या हैं, एनिलीन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एथोक्सी मेथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ, और तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो था थ्री क्लोरो एनिलीन, और रिएक्शन करवाई हमने एथोक्सी मेथिलीन मेलोनिक एस्टर के साथ, उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ सेवन क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी क्विनोलिन।